जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास बहुत ही मजेदार क्लास जो कि पार्टनरशिप की क्लास है। साझा हमने व्यापार किया, और दो व्यक्ति हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, और व्यापार किया तो उस व्यापार में क्या हुआ। कुछ लोग पैसे लगाते हैं, कुछ समय के लिए लगाते हैं और कुछ अधिक समय के लिए लगाते हैं। तो अलग अलग समय के लिए लगाते हैं हम, उनके ऊपर डिपेंड क्वेश्चंस करेंगे, मजेदार क्वेश्चन, सभी वन टू वन लगाइएगा, बहुत ही मजा आएगा इस चैप्टर को जैसे लगाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आपका आ चुका है, सभी ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन क्या है सभी साथ में ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं भूलने का है। पढ़िए, राम श्याम और मोहन, तीन बंदों की बात कर रहे हैं, राम श्याम और मोहन की बात हो रही है। एक 15,000 रुपए में, एक 18,000 रुपए में और एक 21,000 रुपए में बिजनेस शुरू किया। क्या बोल रहा हूं, राम श्याम और मोहन ने जो है एक बिजनेस शुरू किया, एक ने जो है 15,000 रुपए दिए या लगाए हैं, और एक ने 18,000 और एक ने 21,000 रुपया जो है वो पैसा इन्वेस्ट किया है अपने इसमें, अपने बिजनेस में, और एक धंधा शुरू किया, और एक वर्ष के अंत में उन्हें 90,000 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ है, 90,000 रुपए का इन तीनों को जो है वो लाभ हुआ है। ठीक है, तो बताइए कि मोहन को कितने रुपए का लाभ हुआ। मतलब ये तीन बंदे हैं, तीन बंदों ने अलग अलग बंदों ने पैसे लगाए थे। अब क्या हुआ कि तीनों ने अलग अलग लगाए, किसी ने ज्यादा लगाए, किसी ने कम लगाए। तो भैया लाभ जब होगा, ठीक है, अगर मैं 10 लगाता हूं, एक 20 लगाता है, एक 30 लगाता है, तो 30 वाले को ज्यादा पैसे भी तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि उसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, और जिसने कम इन्वेस्टमेंट की उसको कम मिलेगा। वैसे ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। मगर अब बच्चों प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सर पैसे बहुत ज्यादा है, मतलब 15,000 18,000 21,000, तो आप क्या करें, आप इसको रेशियो में बदल लीजिए। तो ये आपस में अगर कहीं पे कैंसिल आउट होता है तो आप जैसे कि 3 से 3 0 ये कैंसिल, इक्वल ही कैंसिल होनी चाहिए तीनों में, ठीक है। और इसको रेशियो में बदल दीजिए कि जैसे कि 3 से चला जाएगा मेरे ख्याल से, 3 5 15, 3 6 18 और 3 7 21, तो ये हमारी जो है इनकी रेशियो में ये कन्वर्ट हो गई। क्या हो गया, रेशियो में कन्वर्ट हो गया है। जब ये रेशियो में कन्वर्ट हो गया बच्चों, तो अब ये टोटल रेशियो कितनी होगी, ठीक है, 6 5 5 10 5 15 16 17 18, कितने हो गए, 18 टोटल रेशियो होगी। कितनी होगी बच्चों रेशियो, 18 होगी सर, ठीक है। अब आपसे पूछा किसका है, मोहन का, किसका पूछा है, मोहन का। तो जो पूछा है बारी बारी निकालेंगे हम, देखो मोहन, मोहन का पूछा है, मोहन का निकालेंगे। मोहन की रेशियो क्या थी, 7, तो 7/18=90,000 जो प्रॉफिट है वो लिख लेना है। तो कितना हो गया, 18 × 18 = 90,000 5,000 × 7 = 35, यानी कि मोहन को कितना मिलेगा जी, कितना मिलेगा, 35,000। इसी प्रकार से अगर आप बोलते हैं श्याम को कितना मिलेगा, क्या इसको, श्याम को, तो श्याम की रेशियो ऊपर लिख लेंगे, 6/18 × 90,000, तो 18 × 5 = 90, कितना हो गया, 30,000। अगर आप बोलते नहीं सर राम की भी बता दो, मैं बोलूंगा राम की भी देख लो भैया, राम की रेशियो क्या है, 5/18 × 90,000, कितना आ गया, 25,000। और आप इन पूरे को टोटल कर लीजिए तो कितना हो गया, देख लो, 30 30 60 ये हो गए, 70 80 और 5 5 यानी कि 10 80 और 10 90, तो पूरा का पूरा बन गया 90,000। इसका मतलब आपका जो सवाल है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बिल्कुल
सही है, एक्यूरेट है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको सही से अच्छे से जो है वो क्लियर हो गया होगा। नोट करना हो नोट कर सकते हैं ध्यान से और इसको समझ सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल सभी लगाएं, सेम सवाल है, सभी लगाएं, जो भी ऑनलाइन है सभी अपना अपना क्वेश्चन जो है वो लगाएं, आंसर लगाएं कि सेम क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। सभी साथ साथ में लगाएं, मैं भी लगाऊंगा आपके साथ क्वेश्चन को। सीता, सॉरी रीता, गीता और सीता, क्या नाम है, रीता गीता और सीता, पैसा लगा रहे हैं कितना, 10,000, 12,000 और 14,000। 2 वर्ष की अवधि में कुल उनको जो है 72,000 रुपए का लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ है, 72,000 का। ठीक है, तो सीता को कुल कितने रुपए मिले हैं, वही सेम प्रोसेस रेशियो में बदल लीजिए। अब यहां पर 3 जीरो है बच्चों, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो तो मैंने सीधा कैंसिल कर देने। अब ये 2 के टेबल से काट लो, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। अगर आप बोलो ना सर रेशियो में मैं बदले ना बदले तो क्या होगा, तो मैं बोलूंगा कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, सेम टू सेम रह जाएगा। तरीका हो सकता है अगर आप इन डिजिट्स को 10,000 12,000 14,000 को भी प्लस करना चाहो तो कर सकते हो। ये तो सिर्फ जस्ट इसलिए कर देते हैं हम कि कैलकुलेशन इजी हो जाए, छोटी हो जाए, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया, 5, 6 और 7 को प्लस कर दीजिए, 5, 10, 11 हो गए और 11 में 7 डाले तो 18 हो गए जी। कितना समझ आ गया जी, 18 तक समझ आ गया। आफ्टर देन हम क्या करेंगे जी, अब हमसे सीता के बारे में पूछा है, हम सीता को ही देखेंगे जी और किसी को नहीं देखेंगे, सीता को ही देखेंगे। तो सीता की रेशो क्या है, सीता की रेशो क्या है, 7 है। तो सीता को ही देखना और किसी को मत देखना। ठीक है, सीता का आगे 7/18 × 7200। ठीक है, और 18 × 1 = 18 और 18 × 4 = 72 और 7 × 4 = 28। कितना हो गया, 28। अगर गीता की निकालनी होती तो 6 ऊपर आ जाना था, तो गीता का रेशो और 72,000। ठीक है, और 18 × 72 और 6 × 24 24,000 आ गया इसका। अगर रीता की भी, क्योंकि रीता बेचारी को क्यों छोड़ देना, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 5/18 × 72,000, 18 × 72 तो 5 × 20, तो 20,000 इसको मिलेगा। देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे हमने जो पैसे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए और इनका जो टोटल है वो 72,000 बन रहा है, नहीं बन रहा है। देखिए आप, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 5, 6 ये हो गए और 8, 4, 12 यानी कि 72,000। ठीक है जी, तो इस प्रकार से जो है वो बिल्कुल सही आंसर जो है वो रहेगा। इसी प्रकार से जो है सीता की जो कुल पैसे हैं उसे 28,000 मिलेंगे, क्योंकि सीता ने जो है उस सबसे ज्यादा पैसे लगाए थे, वैसे भी 14,000 रुपए लगाए थे, औरों के कम होंगे क्योंकि उन्होंने वैसे ही पैसे कम लगाए हैं, है ना। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है, तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, अपना अपना कमेंट कर सकते हैं। अगर आज वीडियो अच्छी लगे तो साथ साथ में शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन आ चुका है। दो व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक एक सांझे में एक धंधा करके, मतलब सांझा समझते होंगे आप पार्टनरशिप में,
50,000 और 60,000 रुपए के लाभ के लिए, लाभ के रूप में प्राप्त किए। अच्छा, उनको जो है 50 और 60,000 रुपया सिर्फ प्रॉफिट मिला है, पर पैसों का पता नहीं है कि उन्होंने पैसा कितना लगाया था। अब देखिए, पहले व्यक्ति का पैसा दे दिया, बहुत बढ़िया जी, यहीं से मेनली नकल मिल गई है, ठीक है। और दूसरे का निवेश निकालना है, तो पहले ने कितने पैसे लगाए बच्चों? सर 20,000। अगर आपको दूसरे के निकले होते तो कोई चक्कर नहीं है, दूसरे का ये आ गया एक्स। अगर आप बोलो अब सर दूसरे का दिया तो मैंने बोला नीचे लिख लेना था बच्चा, और पहले का कहाँ लिखना था? क्लियर है? अब जिसका पैसा जहां है वहीं लिख दो। पहले का पैसा क्या है? 50,000। दूसरे का पैसा कितना है? 60,000। आई होप कि इतना अंडरस्टैंडेबल हो गया होगा आपको। मैंने कुछ नहीं, जिसकी रकम जिसकी है उसी वे में लिखा है, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 4 जीरो ये गई, 4 जीरो ये गई, ठीक है जी। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5x और 6 × 12। क्लियर है इतना सबको? पांच से चला जाएगा, 5 × 10, 5 × 4 = 20। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 24,000। तो दूसरे व्यक्ति ने यानी कि कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? 24,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। क्वेश्चन क्लियर हुआ हो तो जरूर बताएं, नहीं हुआ है तो भी बताएं। मगर इस क्वेश्चन के बारे में आपको मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियोस देखी है तो हमने इस क्वेश्चन को वहां पर भी किया हुआ है, सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है। उसमें भी ये था कि फलाने चीज को इतने में बेचा, फलाने में इतना बेचा, एक पर इतना था तो दूसरे का क्या होगा, ये मैंने वहां पर भी करवाया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और लगाएंगे इसी खुशी में, ठीक है जी बच्चों, सभी रेडी हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करिए, क्वेश्चन तैयारी से रखिए, क्वेश्चन लगाएंगे। 3 साझीदार आ गए जी, रिश्तेदार आ गए जी, 3-3 आ रहे हैं। अब आप ये बात समझ लीजिए कि 3-3 रिश्तेदार आ रहे हैं, चल रही रेशो ही है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये थोड़ा सा आप चेंज कर गए, मैं बोलूंगा बच्चा चेंज नहीं करके, पहले पिछले का ही फिर से मैं बेस बता देता हूं। इसका बेस क्या है? इसका देखो, ये देखो 20,000 मैंने यहां से मैंने स्टेप खाया था क्योंकि अपॉन लिया था, रेशो एक्स, क्योंकि दो बंदे थे ना तो दो का कंपेयर था, प्रोपोर्शनल का आपको पता है मैंने इक्वल टू भी लिखता हूं, है ना। 50,000 रेशो 60,000, आप ऐसे भी समझ सकते थे, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड, डायरेक्ट। मैं मेरे को लगा कि फिर से बताना चाहिए तो मैं इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई 20 पर, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस इसको कैलकुलेशन के लिए रख लो। क्या बोला? रख लो। ये देखिए, तो एक्स इधर रह गया, 20,000, 60,000, ये आ गया आपका 50,000। 4 जीरो से 4 जीरो गई, ठीक है जी। और 5 × 5, 5 × 4 = 20, और 6 × 4 = 24। तो आई होप कि ये बात क्लियर होगी होगी। इसमें दो साझीदार थे इसलिए मेरी ये चीज दो बार आई पुत्र, सभी को समझ आ रहा है? दो बार क्यों ली है? क्योंकि यहां पर दो साझेदार हैं। अब मैंने भी यहां पर दो का ले लिया, मगर आपका अगला क्वेश्चन का टाइप बदल गया, उसमें तीन बंदे आ गए हैं, तीन बंदे आ गए हैं, तब के लिए मैं ये क्वेश्चन समझा रहा हूं कि तब हम क्या करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा हूं? 60,000, ध्यान से सुनते रहना, देखते रहना, नजर हटी और दुर्घटना घटी। यहां तक क्लियर है? तीन साझीदार थे तो तीनों के पैसे मेरे को लिखने थे, तो 60,000, 90,000 और एक का एक्स आ गया। अब इन्होंने पैसे लगाए हैं प्यारे बच्चों 6 महीने के लिए, सिर्फ 6 महीने तक ही इन्होंने व्यापार किया है, ठीक है। इक्वल टू
पहले का आ गया 30,000, दूसरे का बोलो 45,000, तीसरे का 40,000। बोलो इतना समझ है कि नहीं है? सबको क्लियर है इतना? कोई डाउट मन में, कोई भी शंका आए तो जरूर बताएं, नहीं तो साथ देते रहें। देखिए इसके पैसे और इसके पैसे दिए हुए हैं, मुझे जरूरत नहीं है। सीधी बात है, जिसका निकालना है उसी से बात करनी है हमने। अब इसको आपने बोला सर दूसरा तो दिया ही है, मतलब दिया है मगर अब कुछ सॉल्व करने के लिए रखना पड़ेगा ना उसके कंपैरिजन में, ठीक है? इसलिए मैंने लास्ट और ये दो वाले रख लिए, एक जिसको काटा वो अलग बाहर निकाल देना आप, ठीक है? मैंने क्या क्या वो लिए हैं, 90,000 और एक्स, 45,000 और 40,000। अब मैं जो है इस मेथड से बता रहा हूं बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड लास्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। तो 90,000 गुना 40,000 बराबर है 45,000 मल्टीप्लाई एक्स, तो एक्स वहीं पे रह गया बेटा, 90,000 और 40,000 बेटा 45,000। तीन जीरो ये है, तीन जीरो ये गई, ठीक है जी, 9 × 9 और 9 × 5 = 45 और 5 × 5 = 40। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 80,000। कितनी होगी जी, 80,000 जो है वो वैल्यू होगी। बस इतना सा ही ख्वाब है, एक सपना है जो कि सरकारी नौकरी का है, ठीक है? पूरा तभी होगा जब मेहनत करेंगे और वीडियो के साथ साथ अपने क्वेश्चंस करेंगे, ना कि टेलीविजन की तरह अमिताभ बच्चन को आप देख रहे हैं, वो नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। दो व्यक्तियों ने सांझे में एक व्यापार शुरू किया है कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। मतलब एक ने 3 साल के लिए लगाया पैसा, एक ने 5 साल के लिए लगाया, और दोनों की पूंजियों में कुल 1,60,000 रुपए का लाभ हुआ है। मोटा ही लाभ है जी, 3:5 हो जाएगा जी, टोटल अनुपात कितना हो गया बच्चा, 8। ये याद रख लेना भैया। और दूसरे व्यक्ति का हिस्सा पूछा है, यानी कि इसका हिस्सा पूछा है, बस सिंपल 5/8 गुना 1,60,000। बोलो आया कि नहीं आया, 8 × 16 5 × 10 कहीं पे जीरो तो नहीं कम रह गए, हाँ 4 × 1 = 5 1,00,000। आई होप कि आपको मेरा अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा ये वाला भी, क्योंकि हमने रेशियो को पढ़ा है, रेशियो चैप्टर जिसने पढ़ा है उसको क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, सेम सवाल रहेगा, सभी ट्राई करने की कोशिश करिए, वीडियो को भी शेयर करिए, दोस्तों को बताइए कि पढ़ाई क्यों जरूरी है, सभी तैयारी करिए। इसमें कितने महीने के लिए पैसा लगाया है, राम और रहीम ने पैसा लगाया है, राम ने 8 महीने, दूसरे ने जी 6 महीने के लिए, और 42,000 रुपए का लाभ है, और 8 और 6 कितने हो गए आपके, 14, ठीक है जी। और पूछा किसका है, राम का, राम इस बार पहला वाला आ गया, तो 8/14 गुणा 42,000 और 14 × 14 = 42, तो 8 × 3 = 24। बताएं आप कृपा कहां अटकी है, जरूर बताएं कृपा कहां अटकी है, कहां
यहाँ पे मिस्टेक है, आंसर जो है 24,000 होगा। कितना होगा? 24,000 होगा, ये मिस्टेक आया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, टाइपिंग मिस्टेक हुई थी इसमें और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ट्राई करें, सभी ट्राई करिएगा, सभी जितने को समझ ना आए वो पूछते रहें, आराम आराम से पढ़ें, कोई जल्दी नहीं है। ए बी सी ने 20,000, 25,000 और 30,000 रुपए, मतलब तीन बंदे हैं, अलग अलग पैसे डाले अपनी अपनी पहुंच के हिसाब से। भाई ऐसा नहीं है कि हर कोई ज्यादा कम डाल सकता है या इक्वल डाल सकता है, अपनी अपनी पहुंच के हिसाब से डाल रहे हैं। ए ने जो पूंजी है वो 3 साल तक लगा रहा है, बी 2 साल के लिए, सी जो है वो लगा रहा है 1 साल के लिए। यदि 70,000 रुपया कुल लाभ हुआ है तो बताओ कि बी को कितने पैसे मिले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिए और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से होगा। क्वेश्चन है 20,000 रुपया कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं जी, 3 ऐसे। 25,000 रुपया कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं, 2 साल के लिए। 30,000 रुपया लगा रहे हैं कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए। ठीक है जी, इसको मैं रेशियो में बदल रहा हूं बच्चों, आप भी अपने अपने तरीके से कर सकते हो। 4 0 इसकी गई, 4 है ही नहीं, 4 है ही नहीं, 3 3 सभी ट्राई करिएगा, सभी के आंसर साथ साथ में आना चाहिए। 3 3 0 सबकी गई, 5 से चलेगा, 5 4 20 5 5 25 और 5 6 30। ठीक है जी, इसका आ गया 4 3 12, 5 2 10 और इसका 6, और ये 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, 2 5 10 है ना जी, और 2 3 6, टोटल रेशियो कितनी होगी, 6 3 9 और 5 14। ठीक है जी, तो पूछी किसकी है, बी की, और आपको पता है ये ए है, ये बी है और ये सी है। जो क्वेश्चन देख रहा है नहीं है, जो खुद कर रहा है ना उसको पता है क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो बी इनकी 5/14 गुणा कितना आ जाएगा, 70,000। ठीक है जी, और 14 को अब 70 से काट लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 14 5 70 ना, और 5 5 25,000, कितना आ जाएगा, 25,000। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा इस टाइप का भी। ठीक है जी, जिसमें व्यक्ति कुछ समय के लिए पूंजी लगाता है उसके समय को भी हमें साथ में लेना होता है, क्योंकि उनका समय डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है जी, तो आपने उस समय को भी साथ में कैलकुलेट करना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने इस वीडियो को पॉज करना है, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने इसका आंसर कमेंट में देना। ठीक है जी, पॉज कर लीजिएगा और इसका आंसर जो है वो कमेंट करिएगा कि आपको जो है ये क्लास कैसी लगी। ठीक है जी, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर कोई डाउट आता है तो, और हमारे लिए कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।